नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, अभिषेक क्लासेस जाना जाता है एक सच्चाई के साथ, एवं जो ICAR के स्टूडेंट्स हैं उनके विश्वास का एक ये चैनल है। ICAR के स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेक्नीशियन पद के लिए, ध्यान दे लीजिए, वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। एंड जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी की बात है। सारी जानकारी A to Z यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ICAR टेक्नीशियन से, वो मैं सब समझता हूँ। इसलिए मेरे पास काफ़ी कॉमेंट्स आ चुके हैं बच्चे के कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, स्कोर कार्ड नहीं देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही है। उन्हीं समस्याओं को इकट्ठा करके मैं आपके सामने यहाँ पर उन्हीं का आंसर लेकर आया हूँ। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ICAR IARI टेक्नीशियन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें मात्र 2634 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है अगले राउंड के लिए। कितने अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है बच्चा जी? 2634। पूरे देश में पूरे रिसर्च सेंटरों में 802 पद हैं। बच्चे कितने सिलेक्ट किए गए हैं? 2634। लेने कितने हैं? 802। किस प्रकार इनकी छटनी होगी? लास्ट तक आपके 802 बच्चों को रखा जाएगा, बाकी को कहाँ कर दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। जितने भी सिलेक्ट किए गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ICAR ने डाल रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि 30 जून तक आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, चाहे वो फेल अभ्यर्थी हो चाहे वो पास अभ्यर्थी हो। आपने आपका स्कोर कार्ड देख लिया होगा, नहीं देखा है उसका जल्द मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि अभी भी जो है आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब होने वाली है जल्द से जल्द। कभी भी किसी भी टाइम ICAR IARI की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस चिपका दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट वहां पर बता दी जाएगी। तो आप तैयार रहिए, 2634 स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रिय दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी वीडियो मैंने बना दी है, वो आपको ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक DV होने वाला है। 2000 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं तो आखिर छटनी भी तो करनी है, लेने तो 802 ही है ना, इसलिए काफ़ी टफ इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए पहले से ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए ताकि आपको समय पर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सभी की लिस्ट मैंने वहां पर बता दी है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस टेक्नीशियन पद के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डेट आ जाएगी, आएगी तो सबसे पहले अभिषेक क्लासेस के जरिए बता दी जाएगी। घबराइएगा नहीं, आप सब्र रखिए, आपका नाम आ गया है, आप सिलेक्ट हो चुके हो, अब जॉब को कोई नहीं छीन सकता आपके को, टेक्नीशियन आप बन चुके हैं। अब सब्र का फल मीठा होता है, वहाँ से प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अभी तो स्कोर कार्ड देख रहे हैं अभ्यर्थी, अब थोड़े ही दिन बाद ये डॉक्यूमेंट प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आपको तो बस इसी चीज़ को सोचना है कि फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां तो नहीं कर दी है हमने। अगर फॉर्म भरते समय एक भी गलती कर दी आपने और वो सुधारी नहीं, तो फिर आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपकी कितनी भी हाई मार्क्स क्यों ना हो। इसलिए जो जो आपने फॉर्म में डाला है, जो जो डिटेल्स आपने फॉर्म में भरी है,
वही डिटेल्स आपको डीबी के समय चाहिए होती है। कोई गलती कर दी है फॉर्म अप्लाई करते समय, तो पहले ही मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, IARI की ऑफिशियल जो ईमेल है उस पर उस गलती का रिसोल्यूशन मांग लेना, ठीक है। पर समय नहीं बचेगा, वहाँ पर नहीं बख्शा जाएगा, वहाँ पर सीधा निकाल दिया जाएगा, ठीक है। वो निकाल लेंगे, ज़्यादा लेंगे बहुत कम, छटनी करेंगे बहुत ज़्यादा, छलनियों में छाना जाएगा आपको, क्योंकि 2000 से ज़्यादा सिलेक्ट किए गए हैं, लेने मात्र 800 ही है। अब 800 स्टूडेंट्स वही होंगे जिसकी कोई भी गलती नहीं होगी, मेडिकल फिटनेस पूरा होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल भी इसमें होगा, जो कह रहे हैं ना कि मेडिकल नहीं होगा, भाई साहब मेडिकल होता है इसमें, मेडिकल तो इम्पोर्टेंट है, मेडिकल जरूर होगा। इसलिए पहले से ही अपना आप मेडिकल करवा लीजिए, किसी जानकार डॉक्टर से अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवा लीजिए, आंखें सही है क्या, बाकी आपके सारे सिस्टम सही है क्या, ठीक है। रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, डीवी होगा, डीवी के दिन ही आपका ये मेडिकल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जल्दी से बोर्ड पर ध्यान दे लीजिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट निकल कर आएगी, ठीक है। फाइनल मेरिट जो निकल कर आएगी वो हाई रैंक वालों की निकल कर आएगी, जिसकी भी इन 2634 बच्चों में से हाई रैंक है, उनको छटनी कर दिया जाएगा, 802 स्टूडेंट को ले लिया जाएगा अगली प्रोसेसिंग के लिए। अगली प्रोसेसिंग क्या होगी बताने वाला हूँ, सब्र रखिए, ध्यान दीजिए। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। हाई रैंक जिसकी होगी अगले राउंड के लिए दिया जाएगा, अगला राउंड क्या होगा देखना। नेक्स्ट जो राउंड रहेगा, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी भाई साहब, कि आपको जो ICAR के भारत में काफ़ी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, 64 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट है पूरे भारत देश में, इस भारतीय कृषि अनुसंधान के रिसर्च सेंटर जो है, उसमें पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस मांगी जाएगी बेटा जी। आपको जॉब कहाँ करनी है, जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे आप 3 रिसर्च सेंटर सोच करोगे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों आपके हिसाब से आपको सही लग रहे हैं, आपने ICAR से यही मांगे हैं कि हमें यही दीजिए। अगर आपकी हाई रैंक रही, बढ़िया रैंक रही, तो आपको इसमें जो है जॉब मिल जाएगी, उससे थोड़ी नीचे रही तो आपको दूसरे नंबर में जॉब मिल जाएगी, और उससे भी थोड़ी नीचे रही तो आपको तीसरे नंबर में ही मिलेगी। इसी का मतलब होता है पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दोस्तों। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस मांगने के बाद सेलेक्ट हो जाओगे आप, और 802 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगले राउंड के लिए। अब अगला राउंड भी तो होगा, अब सोच रहे होंगे सर राउंड ही राउंड कर रहे हो, इसमें तो प्रोसेसिंग ही नहीं है, भाई साहब प्रोसेसिंग है, ध्यान दीजिए। 802 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जो हाई रैंक थे उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब 802 स्टूडेंट से ट्रेनिंग करवाई जाएगी भाई साहब, यही लास्ट राउंड रहेगा टेक्नीशियन पद का, ट्रेनिंग करवाई जाएगी 1 साल की, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में अगर आप मेडिकल फिटनेस से सही नहीं रहे, अगर आपकी जो है आप किसी काम में लापरवाही बरत रहे हैं, अगर आपका माइंड वहाँ पर नहीं चल रहा है किसी काम में, कहीं ना कहीं वो आपकी देखेंगे, परखेंगे, देखेंगे। 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी जबरदस्त। उस ट्रेनिंग में अगर आपके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर बरती गई, तो आपको साफ साफ दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, इस जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आपकी इस देश में इस टेक्नीशियन पद में हाई रैंक ही क्यों ना हो। इसलिए ट्रेनिंग इसमें महत्वपूर्ण होती है प्रिय दोस्तों, 1 साल की। अगर ट्रेनिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है बाहर होंगे, मुझे पता है पिछली बार भी ऐसे देखा जाता है, जब भारतीय कृषि अनुसंधान की अलग अलग पोस्टों पर निकलती रहती है ये भर्ती,
काफी स्टूडेंट्स फेल होते हैं ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में जब फेल हो जाएंगे तो सीट भी तो खाली हो जाएंगी, 802 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सपोज करिए 50 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में फेल कर दिया गया, अब कितने रह गए, 750 रह गए। अब 750 करने तो उनको 800 है ना, खाली तो सीट 800 है ना। तो भाई साहब तैयार रहिए, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल मेरिट में, इनमें से ले लिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। हमेशा वेटिंग लिस्ट के जरिए जो है थोड़ी नीची जो रैंक रहती है उसको ले लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट निकलेगी भाई साहब 2634 स्टूडेंट्स में से, दोबारा से फाइनल उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपकी ये सारा कुछ सिस्टम चलेगा, सैलरी मिल जाएगी अच्छी खासी। सैलरी जाननी है जॉब से पहले तो कमेंट्स कर देना, बता दूंगा किसी से पूछकर, ठीक है। काफ़ी जानकार है जो इस IARI के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछ लूंगा, भाई साहब बता दीजिए आपको कितनी पर मंथ सैलरी चल रही है, क्योंकि अभी से क्लासेस कोई अफवाहों पर नहीं चलता है। जब तक सामने प्रूफ नहीं दे देता तब तक मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूं। ये आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, आप मेरी मेहनत का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप तो ओनली बड़े बड़े थंबनेल में देखते हो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द होगा, ये होगा वो होगा, उस पर आप ध्यान देते हो। प्रिय दोस्तों दे लीजिए ध्यान, मेरा क्या बिगड़ेगा, आपका भविष्य बिगड़ेगा। मैं तो ओनली सच्चे ईमानदार स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। भाई साहब एक और प्रॉब्लम आ रही है, स्कोर कार्ड नहीं देख पा रहे हैं। तो जो स्कोर कार्ड नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं अलग से मुझे कॉमेंट्स करना आप, ठीक है। जो आपको कमेंट्स कहाँ करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ मैसेज कर देना, या फिर सीधा ही आप तो यूट्यूब पर कमेंट्स कर देना, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। ये अपडेट मैंने इसलिए दिए है, मुझे पता है कि अफवाह फैलाई जा रही है ICAR के रिलेटेड। अब आपकी सारी अफवाह डाउट क्लियर हो गया है ना, सारा कुछ नहीं है, जो है अब तक ये है, जो होगा वो अभी से क्लास के द्वारा बता दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक कर देना, एक रिक्वेस्ट मान लेना, अपने चेहरे पर स्माइल बरकरार रखनी है, और स्माइल जब आपने बरकरार रख दी प्रिय दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। मेरे दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्रिय दोस्त को, ठीक है। एंड पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब करके आपको जाना होगा, फिर मैं आपका हो जाऊंगा, आप मेरे हो जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।